राहुल को रक्त एवं चर्म इन्फेक्शन एने इंद्रप्रस्थ आपोलो हॉस्पिटल डाक्टर परामर्श दि जाऊपरेसन जिंदगी जिंदगी सफल होगापर राहुल को बिलासपुर आपोलो हॉस्पिटल आईसीयू रखी चिकित्सा करुवा सीनियर कंसल्टेंट डाक्टर सुनील कुमार एने मेडिकल बुलेटिन जारी करजावत राहुल को किसी रिपोर्ट आसी सारी आहरी एकाधिक रिपोर्ट आसवा बाकी अच्छी आहरी एक सप्ताह राहुल जत्न नेबार आवश्यक अच्छी डाक्टर कहते अन्यपटे राहुल को भेटिबा मुख्यमंत्री भूकेश बाघेल हॉस्पिटल रे पहुंचे छंती। ऑपरेशन जिंदगी शेष होइछि एवं राहुल को वर्तमान बिलासपुर आपोलो हॉस्पिटल रे चिकित्सा करा जाउछि। अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी आम प्रतिनिधि जुगल तिवारी जे कि घटनास्थल घटनास्थल में उपस्थित थिले एवं लगातार भाव में राहुल को स्वास्थ्यावस्था खबर उपर नजर रखिंट। जुगल अभी का ताज़ा जानकारी लेना चाहते हैं आपसे, खास करके राहुल का तबियत कैसा है, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर अभी तक? ठीक है, स्वास्थ्य अभी जो डॉक्टर है उनका उपचार कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, राहुल को रखा गया है, लेकिन जिस तरह से राहुल का विल पावर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि राहुल 5 दिनों तक इस तंग जो बोर है उसमें फंसा होगा। बिल्कुल राहुल अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, खाना भी खा रहा है, लेकिन एक बात है कि राहुल के जो शरीर है उसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ है, उसकी जाँच की गई है, क्योंकि नम बोर में वो लगभग 5 दिनों से 105 घंटे से था और ऑपरेशन 101 जैसे ही सफल हुआ पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश में की जनता है वो उनकी आंखें हैं वो नम हो गई, हर कोई उसकी दुआ कर रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे से वापस आते ही सबसे पहले उसे जा करके मुलाकात की है, उनके परिवार वालों से अभी मुलाकात की, उनके परिवार वाले नतमस्तक होकर सरकार के एसडीआरएफ की जो टीम है, एनडीआरएफ की जो टीम है और जितने भी सेना की जो टीम है, जितने रेस्क्यू कार में लगे हुए थे सबको जो है सलाम किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों को एमएलएस को ये भी कहा है कि जो राहुल है चूंकि वो थोड़ा दिव्यांग बच्चा है तो इसलिए उसकी पढ़ाई अलग से कराने की बात कही है। तभी अपोलो अस्पताल में जब मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं परिजनों में काफी खुशी है, प्रशासन के अधिकारी चिकित्सकों की टीम से मुख्यमंत्री ने बात करके भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बात करके उन्होंने कहा है कि इसकी बेहतर और गहन चिकित्सा दी जाए, अभी उपचार जारी है लेकिन स्थिति अभी स्टेबल है और डॉक्टर लगातार गहन जो परीक्षण कर रहे हैं। जी राहुल कितने दिन तक हॉस्पिटल में रह सकते हैं, सब रिपोर्ट आने में कितना टाइम कितना वक्त लग सकता है? और जी देखिए अलग अलग चरणों में उसकी जांच हो रही है क्योंकि राहुल लंबे समय से जो नम इलाका था जो उसमें वो रहा है, सफोकेशन की भी परेशानी थी उसे, हालांकि जो ऑक्सीजन है वो दिया जा रहा था, निमोनिया की जाँच होगी और इसके अलावा जो इन्फेक्शन है तो उसकी भी जांच होगी। चूंकि राहुल इस अवस्था में था उस जहां पर था वहीं पर उसके दैनिक जो क्रियाकलाप है वो भी होता था, तो कहीं जो इंटरनल इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल को अभी फीवर आ रहा है, फीवर आ रहा है तो उसके कई वजह हो सकते हैं, हालांकि या तो ठंड ज्यादा हुआ होगा और शरीर अपने जो है तापमान को कंट्रोल करने के लिए भी इस तरह से तापमान अचानक से बढ़ जाता है, बुखार की वजह ये हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन की ज्यादा संभावना है, यूरिन इन्फेक्शन भी उसे हो सकता है क्योंकि वो यूरिन भी वही कर रहा था, कुछ समय ऐसा भी था कि वहाँ बोर से स्मेल भी आ रही थी, तो ये बड़ी बात कही जा सकती है कि डॉक्टरों ने जो उपचार के लिए वहाँ दवा भी जो डाला था। और बड़ी बात यही है कि राहुल अभी स्वस्थ है, स्वस्थ दिख रहा है, हालांकि इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उसकी जाँच की जा रही है, कितने दिनों तक अस्पताल में रहेगा राहुल इसकी अभी जो मियाद है जो तिथि है वो तय नहीं हुई है, जब तक उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा राहुल तब तक छुट्टी नहीं दी जाएगी, हर तरफ से जांच की जाएगी। जी ओके, शुक्रिया जुगल आपकी जानकारी के लिए।
राहुल को स्वास्थ्यावस्था उपर नजर रखा जाए और इंद्रप्रस्थ आपोलो हॉस्पिटल चिकित्सा चलुता बेले मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल आज निजे जा राहुल को साक्षात कर स्वास्थ्यावस्था संपर्क में चिकित्सा करुवा डाक्तर सहित आलोचना कर पूर्व जो भाई उद्धार समय प्रतिश्रुति मेडिकल जितेबले चिकित्सा चली समय मुख्यमंत्री निजे पहुंची प्रतिश्रुति जेकोसी चिकित्सा व्यवस्था आवश्यकता रहुची ताहा आपणातु सबु परिस्थिति रे सरकार आपण सहित अच्छा डाक्तर को परामर्श देती आलोचना कर राहुल को स्वास्थ्यावस्था कौन उन्नति आसूची कौन सबू परीक्षा करा जाएची से संपर्क में विस्तृत भाव में आलोचना कर।